आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी में। जहां एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आज सामने आ गया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव के बयान और उन पर किए गए नेताओं के पलटवार ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में पहली दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि अभी तक के सारे आदेश कानून के खिलाफ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखें। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुझाव दिए हैं। आपको बताते हैं ये क्या कुछ सुझाव है। भाई, काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद 6 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। हिंदू पक्ष की ओर से दलील पेश की गई। हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सबसे पहले हिंदू पक्ष अपनी बची हुई बहस पूरी की। स्वयं भगवान विश्वेश्वर पक्षकार की तरफ से उनके वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी बहस की। हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने भी बहस की, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख का निर्धारण कर दिया। हमें चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको ये बाइट सुनवाते हैं, देखिए क्या कुछ कहना है लोगों का इस मामले पर। एक सवाल मेरा ज्ञानवापी को लेकर के है। अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत में पीपल के पेड़ के नीचे लाल झंडा लगा दीजिए, पत्थर रख दीजिए, टीका लगा दीजिए, मंदिर बन जाता है। ज्ञानवापी जैसे मुद्दे जो हैं वो बीजेपी जानबूझ के भड़का रही है ताकि हिंदू मुस्लिम में सौहार्द ना बना रहे। उन्हीं के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनका भी एक बयान आया है कि अगर इस बार बाबरी की तरह ज्ञानवापी में भी कुछ विवाद होता है तो हम एक नई प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किस तरह की ये उन्होंने नहीं बताया, और ओवैसी भी इस पर काफ़ी अडिग हैं, वो कह रहे हैं हम इस बार एक इंच ज़मीन नहीं देने वाले। ज़मीन तो उनके पिताजी की है नहीं, मैंने पहले कहा है ओवैसी की ज़मीन नहीं है। और दूसरी चीज़ जो अखिलेश जी ने कहा है कि कहीं भी लाल झंडा लगा करके और एक पत्थर लगा के और पूजा शुरू हो जाती है, तो उनको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सड़क के किनारे हरा झंडा लगा करके एक मजार बना करके लोहबान सुलगाना शुरू करके और वहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी उनके ध्यान में आना चाहिए, केवल हिंदू धर्म पर नहीं आना चाहिए। ये पता नहीं क्यों आपने कोई हिंदू मानते भी हैं कि नहीं है, वो हिंदू हैं भी कि नहीं हैं हमको नहीं पता चलता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म की एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है ऐसा कोई हिंदू नहीं कर सकता है। हमारे हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और ये धरती हमारी हिंदुओं की धरती है। और सही है कि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का 1947 के बाद, और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, मुस्लिम और हिंदू के नाम पर बंटवारा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम को दिया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया, तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो शरणार्थी हैं, यहाँ हैं ठीक है, सारा अधिकार उनको संविधान ने दिया है, वो बराबरी का हक है उनका, सब लोग मानते हैं, कोई इससे मना नहीं करता है। लेकिन भाई कम से कम जितने आपके आक्रांता थे, जो आक्रांता थे जो विदेश से आए हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, यहाँ के लोगों को मारा काटा, बेइज्जत किया, महिलाओं को बेइज्जत किया, ऐसे आक्रांताओं को आप अपना पूर्वज मानते हैं, और उनको कभी ये नहीं देखे, केवल उनको भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जहाँ उनकी जन्मभूमि है वहीं उनकी मस्जिद बनेगी, अयोध्या में जहाँ राम जन्मभूमि है वहीं उनकी मस्जिद बनेगी, और काशी विश्वनाथ जी का जो भगवान का मंदिर वहीं उनकी मस्जिद बनेगी। हिंदुस्तान में और कहीं जगह नहीं थी उनको मस्जिद बनाने के लिए। तो आज ये पुराने जो पाप किए गए थे और जो आक्रमण थे उसको सुधारने का मौका है, और वो सुधारा जा रहा और तथ्य के आधार पर सुधारा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधार रही, हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय इसको सुधारने का काम कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो रविंद्र कुशवाहा जी थे बीजेपी के सांसद, साफ तौर पर कहना है कि आजम खान जेल से बाहर तो आ गए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसका कोई असर नहीं होने वाला। हम एक बार फिर से 24 में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले हैं। और ज्ञानवापी मस्जिद पर उन्होंने बोलते हुए ये भी कहा है कि ये जमीन किसी के भी
पिता की नहीं है, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया था। ये एक बड़ा बयान है और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें पूरी तरह से नजर बनाए हुए, फैसला सबके हित का ही होगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ में नितिन प्राइम। तो इस मुद्दे को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मोहम्मद मतीम ऑल यूनियन मुस्लिम लीग से हमारे साथ मौजूद है, वहीं अनिल शुक्ला पूर्व सांसद हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता विभांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है, तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी भी बयानबाजियां सामने आ रही है। पहले विभांशु के पास आना चाहेंगे। विभांशु, फैसला आने के बाद क्या कुछ माहौल बना हुआ है इस वक्त वाराणसी में? सुनवाई हुई, इसमें आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो निचली अदालत है बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको ट्रांसफर किया है। और आपको बताएं कि उसमें दलील दी गई है कि हम इसको खारिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुभव को देखते हुए ये कोर्ट का मामला जो है ये 25 सालों से बनारस की निचली कोर्ट में चल रहा है, जिसको देखते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि ये मामला अब बनारस के निचली कोर्ट में देखा जाएगा। वहीं आपको बताएं कि जो ज्ञानवापी सर्वे में जो रिपोर्ट थी उसके लीक होने के बाद जो बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज थे उनका तबादला किया गया है और नए जज जल्द ही मिल जाएंगे। आपको बताएं कि ये मामला पूरा बनारस की निचली कोर्ट में चलेगा। साथ ही साथ माना ये जा रहा है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि अब इस मामले की सुनवाई जो जुलाई के दूसरे हफ्ते में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो तमाम दस्तावेज एवं तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट के आधार से की जाएगी। वहीं आपको बताएं कि जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट था उसके तहत इस याचिका को खारिज करके और आप मुसलमानों को इस मस्जिद पर जो मालिकाना हक है वो दे। आपको बताएं कि त्रिपला की जब 1991 की दशक में जब राम मंदिर मुद्दा गरमाया हुआ था उस वक्त वर्शिप एक्ट बनाई गई थी, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद से हटकर सभी मस्जिदें वो मुसलमानों के खाते में जाएगी, उनके पक्ष में रहेगी। तो कहीं ना कहीं बताएं तो उसका उस एक्ट का दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि याचिका को खारिज कर दे। वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो बनारस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें 5 महिलाओं के द्वारा याचिका दिया गया था, जिसमें याचिका के बाद सुनवाई हुई जो 2021 में याचिका दी गई है उसमें सुनवाई चल रही है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 2 बिंदुओं की मांग की थी। एक तो जो गौरी गणेश सिंगार भवन है, मंदिर है, जो कि सबसे प्राचीन उनकी तरफ से बताया जा रहा है, उसमें रोजाना पूजा की अनुमति दे, साथ ही साथ वहां की खुदाई कराकर अवशेषों को इकट्ठा करें, साथ ही साथ इतिहास के पन्ने को खंगाल के और जो मंदिर था उसे हिंदू धर्म के पक्ष में दे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार इस पर सुनवाई की और आज 51 मिनट की सुनवाई के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद ये मामला अब बनारस के जो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट है उसमें ट्रांसफर किया गया है। अब आने वाली जो सुनवाई होगी वो जल्द ही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल विभांशु, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल शुक्ला जी पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल शुक्ला जी, जिस तरह से इस मामले को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, तमाम तरह के हिंसा भी भड़क रहे हैं, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से प्रशासन और कोर्ट उस पर काम कर रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए ये तो बिल्कुल तय है कि वहां पर पहले मंदिर ही था जी, क्योंकि अगर हम इतिहास को खंगालें तो उसमें जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है बनारस का, जो गंगा जी के तट पे बना हुआ है जी, वो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और केंद्र रहा है। और इस मंदिर का स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है। और 400 ईस्वी में जब यहाँ पर फरहान जो चीनी यात्री आए उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वहाँ मंदिर था। फिर 600 ईस्वी में हुमायूं आए, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि वहाँ पे मंदिर था। लेकिन 1124 में इसको मंदिर को मुगल आक्रांताओं के द्वारा इसको गिराने का काम किया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। इसके बाद 1194 में
फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनके सिपाही सालार थे, जब इन्होंने कन्नौज के राजा को हराने के बाद फिर उन्होंने मंदिर को गिराने का काम किया, लेकिन हिंदू अपने उस मंदिर को पुनः निर्माण करते रहे। लेकिन 1517 में सिकंदर लोदी आया तो उसने भी इस मंदिर को गिराने का काम किया और फिर मंदिर को राजा मानसिंह ने बनवा दिया। लेकिन फिर 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ा और तोड़ने के बाद उन्होंने आदेश किया कि वहाँ पर जो है ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया जाए। तो वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम कहीं दूसरे लोगों पे नहीं जाते हैं। एक मैं सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के कानून मंत्री भी रहे हैं और जिनके नाना देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन अवर टाइम। उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये 1669 में औरंगजेब द्वारा गिराई गई थी और बाबरी इसके जगह ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण करने का आदेश किया गया था, जिसको उन्होंने साफ लिखा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि काफ़ी समय से प्रयास चलता रहा लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि मुगलों का शासन रहा, इसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन 1800 में इंदौर की रानी जो अभी इस समय जो मंदिर बना है वो अहिल्या बाई ने उस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने अपनी अभी इस किताब में जो लिखा है उन्होंने साफ कर दिया कि वहाँ पर खुद सलमान खुर्शीद ने कि वहाँ पर मंदिर था पहले से, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनिल शुक्ला जी, कुछ अवशेष भी मिले हैं हमारे साथ, मोहम्मद मतीन भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मतीन, किस तरह से अब जो फैसले आ रहे हैं कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, किस तरह से स्वागत करता है मुस्लिम पक्ष उसका? देखिए, सबसे पहली बात कि जो 5 महिलाएं पिटिशनर थी उन्होंने ये बात कहा था कि श्रृंगार गौरी में जो उनको पूजा अर्चना नहीं साल में एक बार करती हैं, रोज करने की इजाजत दी जाए जी। ये उनकी पिटिशन थी और श्रृंगार गौरी जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद के जो प्राइमिसेस है उसके बाहर एक बैरिकेटिंग लगी है जी। बैरिकेटिंग के बाहर वो श्रृंगार गौरी है तो उसमें ना मुस्लिम पक्ष ने कभी उसका विरोध किया है और ना ही उसको जो है मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कोई विरोध किया है। वहाँ उनको इजाजत का कोई मसला ही नहीं है, वो अपने जब चाहे करना चाहे, कोर्ट का मामला है और वो अपने इजाजत ले और जाकर के वहाँ पूजा करे। इसको जो है इन्होंने एक बहाना बना करके इतिहास और कानून का जो है ये एक बहाना बना करके इन्होंने मस्जिद में एंट्री करने की एक नापाक कोशिश की। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि अलमिया यह है कि कमीशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बनाया और कोर्ट ने बनाने के बाद फिर जो है उस कोर्ट में एक कमीशन बना करके कहा कि भाई 17 तारीख को हमें इजाजत दी जाए, मतलब 17 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाए जी। अब 17 तारीख अभी आई भी नहीं थी कि 16 तारीख को एक बवंडर पूरे में कमीशन ने कोई रिपोर्ट नहीं आई। अभी बवंडर खड़ा हो गया कि साहब भोले बाबा वहां बरामद हो गए और वो पूरे भारत के तमाम न्यूज चैनल से। मोहम्मद मतीन जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आपने कहा बवंडर खड़ा हो गया तो सर्वे में जो कुछ अवशेष मिले हैं, कई तरह के अवशेष मिले, हाथी का सूट जो मिला, त्रिशूल मिला, तमाम तरह का सर्वे में दावा किया जा रहा है वो मिला, तब तो इस तरह की बातें सामने आई ना। 16 तारीख को रिपोर्ट पेश हो गई थी क्या जी? रिपोर्ट के बाद की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 16 तारीख को क्या रिपोर्ट पेश हो गई थी? लेकिन अगर दावे किए जा रहे हैं मोहम्मद मतीन जी, अगर दावे किए जा रहे हैं और अवशेष वहां पर मिले हैं, कौन सा चैनल था जिसने नहीं दिखाया वहां पर? झूठा भ्रमित किया लोगों को, तमाम भोले भाले हिंदुओं को जो है उकसाने का काम किया। देखिए, कोई चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, बात किसी जाति धर्म की नहीं हो रही है, बात सिर्फ और सिर्फ सर्वे की हो रही है, वहां पर जो अवशेष मिले हैं उसकी हो रही है। और अगर किसी जी, अगर आपका ये कहना है हाँ, भाई 16 तारीख को कैसे जो है ये साबित कर दिया कि साहब वहाँ शिवलिंग मिला, लेकिन उसके बाद के सर्वे में जो रिपोर्ट सामने है उसमें क्या कहेंगे आप? और रही बात
जो कोर्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस के एतबार से अगर एक पक्ष कमीशन के ऊपर आक्षेप कर रहा है कि वही फला साहब को अजय मिश्रा जी को ना बनाया जाए, फिर भी कोर्ट ने उसको बना करके और जो खदशात पहले से मस्जिद इंतजामिया कमेटी को थे वो प्रमाणित हो गए कि अभय सिंह साहब ने बाकायदा कंप्लेन की और उनको वो किया गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आधी रिपोर्ट अजय मिश्रा के पास है जिनको डिसमिस कर दिया गया जी। और आधी रिपोर्ट जो है वो क्या नाम है सौरभ सिंह क्या नाम है इनका सिंह साहब के पास है जी। तो कौन सी रिपोर्ट क्या हो रहा है ये मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर लेकर के अदलिया पे निशान लगाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो शायद कोर्ट को तो कोई गुमराह नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी जो दलील असदुद्दीन ओवैसी की सामने आई थी मद्दी जी 1991 प्लेस ऑफ वर्स एक्ट आज कोर्ट में हुआ है, उसके बाद आपकी पार्टी क्या करेगी इस पर बताइए। कोर्ट कोर्ट को ही तो भ्रमित किया है, कोर्ट ने गलत कैसे इंटरप्ट कर लिया। मोहम्मद मदीन जी हमेशा का यही रोना है, अगर मीडिया दिखाएगी तो मीडिया गलत कर रही है, अब आप कोर्ट को भी भ्रमित किया जा रहा है। कोर्ट को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। कमीशन कोर्ट ने ही तो बनाया था, तो मुस्लिम पक्ष ने कमीशन बनाया था और वो विरोधाभास है नहीं है वो। आप लोग किसी फैसले को स्वीकार करना चाहते ही नहीं है ना अनिल शुक्ला जी, जिस तरह के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कोर्ट के भी फैसले को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बात करते हैं शांति और सौहार्द की, किस तरह से शांति और सौहार्द बन पाएगी हिंदुस्तान में अगर इस तरह से लोग कोर्ट को ही गलत ठहराते रहेंगे। अभी सही बात बताइए, तैयार नहीं है, दिक्कत है, ये विरोधाभास रिपोर्ट है नहीं है, जो सही बात है उसको भी मानने तैयार नहीं है, जो आपस में कोर्ट ने तो कह दिया कि कमीशन आपस में कंट्रडिक्ट है और उनकी रिपोर्ट पे कैसे डिसीजन हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद मदीन जी इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे, आपकी पार्टी ठीक है मोहम्मद मदीन जी आप बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ आप एक टेलीविजन पर बैठ करके ये चीज कहते हैं कि कोर्ट को भी भ्रमित किया गया, आप खुद एक बार इस पर विचार करिएगा, अब आपकी पार्टी इस पर क्या करेगी। मैं तो देखिए बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि ये भ्रमित करने वाला डिसीजन है और इसको जो है नजरसानी करना चाहिए जी। संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े, विभांशु जिस तरह से लगातार शांति और सौहार्द की बातें की जा रही है, तमाम तरह से प्रशासन वहां पर अलर्ट किया जा रहा है, अभी भी वजू के लिए डीएम को आदेश दिया गया है कि डीएम वजू का जो जगह है वो निर्धारित करे, उसके बावजूद भी जो तमाम लोग हैं जो तमाम मुस्लिम पक्ष के लोग हैं अभी हमारे साथ मोहम्मद मतीन जी जुड़े हुए, उनका भी कहना है कि भ्रमित किया जा रहा है कोर्ट को, किस तरह से देखते हैं आप इसको और किस तरह का हिंसा भड़क सकता है ऐसे मामलों को लेकर विभांशु जी। शिखा पिछला आपको बता दें कि ऐसी स्थिति ना होने की वजह से जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद है उसमें 9 ताले लगाकर और 15 सुरक्षा चक्र लगाए गए हैं, साथ ही साथ सीआरपीएफ की पूरी बटालियन लगाई गई है और कोर्ट के आदेश के बाद जो वजू स्थल है उसको पूरा बैरिकेडिंग करके, और आपको बताएं कि हर एक जगह जहां जहां अवशेष की बात की जा रही है उन सब जगहों को पूरी सीआरपीएफ की निगरानी में रखा गया है और उस जगह को प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। वहीं आपको बताएं कि आज जुमे की नमाज के दौरान जो अंजुमन मस्जिद कमेटी है उन कमेटी की तरफ से कहा गया है कि वहां पे आज देखा जाए तो जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद है वहां जुमे की नमाज के लिए 400 लोगों को नमाज अदा करने के स्थान है, मगर आसपास के जो मस्जिद थे वहां के भी लोग आज ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद में एकाएक पहुंच गए और 1200 की संख्या पहुंचे, जिसके बाद मस्जिद परिषद की तरफ से ऐलान किया गया कि आप अपने नमाज अदा करने के वक्त को जाया ना करें और आसपास जो समीप में मस्जिद है वहां जाकर अपनी पूजा पद्धति को वहां अपनाएं, साथ ही साथ नमाज अदा करें। वहीं आपको बताएं कि सामाजिक सौहार्द ना बिगड़ने को लेकर प्रशासन पूरा मुस्तैदी से वहां कायम है और साइबर सेल से लेकर और LIU जो लोकल इंटेलिजेंस की पुलिस होती है यूनिट होती है वो पूरी लगाई गई है, साथ ही साथ सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए हर एक प्रयास, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हर एक प्रयास पुलिस और सीआरपीएफ के जवान वहां कर रहे हैं
और अगर बात की जाए स्थिति की तो स्थिति पूरी संयम में है। आज मस्जिद परिषद में जब इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो मस्जिद परिषद की तरफ से एक होशियारी का परिचय देते हुए लोगों से गुजारिश की गई कि आप अन्य मस्जिदों में जाए, तो कहीं ना कहीं ये मस्जिद परिषद की तरफ से एक बेहतर कदम था, क्योंकि अगर देखें तो वहाँ जो वजू स्थल है उसको प्रोहिबिटेड एरिया में रखा गया है, उसे प्रतिबंधित एरिया में रखा गया है, तो वहाँ वजू में दिक्कत भी सामना करना पड़ सकता था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पानी के टैंक भी लगाए गए थे, जिससे जो नवाजी हैं वो वजू करके और अपनी नवाज अदा कर सके। तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जिस तरह से मस्जिद की तरफ से ये बोला गया कि आसपास के मस्जिदों में नमाज अदा करें, बिल्कुल एक शांति और सौहार्द का प्रतीक भी दिया जा रहा है। लेकिन तमाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी अनंत शुक्ला जी, लेकिन जिस तरह से तमाम आज 500 की संख्या में जनरली ज्ञानवापी में लोग जाते थे नमाज अदा करने के लिए, 1200 की संख्या में आज पहुंच गए, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, शुरू से तो 50-60 लोग ही जाया करते थे। अब जैसे नसीम भाई कह रहे हैं कि हो अल्लाह, तो हो अल्लाह वहाँ इकट्ठे होकर कौन कर रहा है? वहाँ कानून व्यवस्था कौन बिगाड़ना चाहते? आप जो है क्या जुमे की नमाज के नाम पे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, 400 की जहाँ जगह हो वहाँ 1200 लोग पहुँच जाएं, तो और फिर वहाँ व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। तो ये तो प्रशासन की सूझबूझ है कि उन्होंने और मस्जिद का जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने सूझबूझ से काम लिया, तो वहाँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। जहाँ तक बात कोर्ट को गुमराह करने की बात हमारे भाई कह रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट कमीशन ने सर्वे किया है और उसको फोटोग्राफी हुई है जी, तो फोटोग्राफी तो झूठ नहीं बोलेगी। अगर वहाँ पर जो है स्वास्तिक के निशान मिले हैं, त्रिशूल मिले हैं, हाथी की सूंड मिली है, वहाँ पर जब शिवलिंग मिला है, तो ये सब सारी बातें तो झूठ नहीं बोलेंगी। और मैं खुद इस पर कहना चाहता हूँ कि 1991 में जब ये बरसी एक्ट पास हुआ तो कांग्रेस के जमाने में पास हुआ जी, जी। और वही कांग्रेस के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद खुद कह रहे हैं कि 1997-98 में एक ट्रस्ट बना और जिस ट्रस्ट में ये पास हुआ कि उस मस्जिद को हटा करके वहाँ मंदिर बना दिया जाए जी। उस समय भी इन लोगों ने 1991 का हवाला दे करके और क्या नाम वहाँ पर मंदिर नहीं बनने दिया। तो आज जब कोर्ट उसका संज्ञान ले रहा है और उसने कहा है कि जहाँ पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वहाँ पर 1991 का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। तो अगर जांच हो रही है, सर्वे हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं जी। अब इससे हो पे हल्ला करना, ये तो चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई कि हम जो है क्या नाम जबरदस्ती उस पर हो हल्ला करें। अरे भाई, जो सच है वो सामने आ जाएगा। और इस देश का कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जिसको सभी लोगों का निर्णय मानना होता है, आप देखिए जिस तरीके से अयोध्या का मामला आया तो सब लोगों ने माना, हमारे मुस्लिम भाइयों ने माना, कहीं जरा भी चू चपट नहीं हुई। तो ज्ञानवापी का अगर मामला है तो इसको जो है क्या नाम इसका भी सर्वे हो जाने दे जी। सामने रिपोर्ट आ जाने दे, इनके वकील हैं ये अपनी दलील करें, हमारे जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो अपनी दलील करेंगे जी। और फिर कोर्ट जो बैठा हुआ है वो तो ना हिंदू है ना मुसलमान है जी। वो तो देश का सबसे बड़ा क्या नाम कोर्ट है और उसकी जो भी डिसीजंस होते हैं वो हम सब पे बाइंडिंग है जी। तो वी हैव टू अडेयर टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमें उसमें उस हिसाब से थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए कि कोर्ट जो करेगा वो सही न्याय करेगा। तो खाम खाम में इस तरह का कोई उकराना और फिर उसको, अब ये तो आसान सी बात है कि आप हर चीज को कह दो पॉलिटिकल है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो एक एक नेता देश की है जी। जो कांग्रेस की चाहे सोनिया जी हो और चाहे राहुल जी हो, जो इस देश के नेता हैं, जो सेकुलर के नाम पर पूरा झंडा उठाए घूम रहे हैं, उन्हीं का मंत्री जी। उनके एक तरीके से ही इज वेरी क्लोज टू सोनिया जी एंड हिज फैमिली। तो अब सलमान खुर्शीद खुद कह रहे हैं कि जो है वहां पे मंदिर था और मस्जिद बनाई गई और अब मस्जिद को तोड़ के वहां मंदिर फिर से बना दिया जाए जी। तो क्या जब उनके वो खुद कह रहे हैं तो ये जा करके उनकी किताब खरीद ले, जो मैंने बताया सनराइज ओवर अयोध्या एंड नेशनहुड इन ओवर टाइम, इस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वहां पर मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ करके 1969 में
क्या नाम मस्जिद का वहाँ पे निर्माण करा दिया गया था जी। बिल्कुल मोहम्मद मतीन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अनिल शुक्ला जी ने भी जो बताया और सलमान खुर्शीद की किताब में जो कुछ लिखा, हालांकि मैंने भी वो किताब अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस तरह से इनका कहना है और सलमान खुर्शीद का कहना है कि आज ये नई बात नहीं है, एक्ट ऑफ वर्शिप का हवाला कई बार दिया गया है। अगर बात किसी मंदिर के लिए एक्ट ऑफ वर्शिप का हवाला दिया जा सकता है तो मस्जिद के लिए क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि शांति से सर्वे क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? सर्वे से डर कैसा है? किसको डर है सर्वे से? क्या भरोसा नहीं है मुस्लिम पक्ष को? माननीय उच्च न्यायालय पर किसी को भरोसा नहीं है? माननीय उच्च न्यायालय ने क्या वहां पर इस बात को एडमिट किया कि वहां शिवलिंग निकला है? ये जो अभी शुक्ला जी ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे, झूठ बोल रहे हैं बैठ करके। अब मैं क्या बताऊं इनकी शान में, मैं क्या कहूं? यही तो मैं कह रहा हूं कि इतिहास का दुरुपयोग करके कानून को ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकली प्रेशर करके, प्रेशराइज करके ये इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो आई एम कोटिंग द स्टेटमेंट ऑफ सलमान खुर्शीद जी। आप उनको कहोगे, उनको कहो ना कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप उनको कहोगे झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे क्यों कह रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपके, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपके समाज के ही नेता सलमान खुर्शीद जी कह रहे हैं। वो तो खुद सलमान खुर्शीद का किताब आप उठा के पढ़ो। इतिहास और कानून का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, झूठ बोलने के फैक्ट्री बना लगा रखी है। चलिए मोहम्मद मतीन जी कर रहे हैं, इतिहास का गलत प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आज जो मिसयूज कर रहे हैं ये जी, अरे कानून, अरे भाई वर्सी पैक्ट जो है केवल आप ही पे नहीं लागू होता भाई, वर्सी पैक्ट तो हिंदुओं पे भी तो लागू होता है ना। बता दिया इनको, यही तो भ्रमित कर रहे हैं। देखिए जो वक्त, सुनिए, जो एक्ट है, जो कानून है और जो न्यायालय है वो पूरे हिंदुस्तान का है, किसी एक जाति विशेष का नहीं है। तो इस तरह से लगातार देखिए प्रॉब्लम तो यही है। आप लोग सुनिए मेरी बात, आप लोग मीडिया पे सवाल उठा देंगे, आप लोग कानून व्यवस्था पे, अब तो अपने आप लोगों ने हद पार कर दी, सुप्रीम कोर्ट पे आप लोगों ने सवाल उठा दिया, दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोगों ने, अब सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिया। कहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या एडमिट किया कि वहाँ शिवलिंग है? उन्होंने जांच के आदेश दिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए, उन्होंने सिविल कोर्ट के पास केस फॉरवर्ड किया, सुनवाई की बात कही। ये गलत यूज, आप खुद फैसला सुनाए जा रहे हैं। आप एक बात, ठीक है, आप एक बात का जवाब दीजिए मोहम्मद मतीन जी, मोहम्मद मतीन जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब 500 कैपेसिटी है तो मस्जिद में 1200 लोग क्या कर रहे थे? कानून को कितना ब्लेम करेंगे, कानून को कितना ब्लेम करेंगे आप? अरे कोर्ट ने एडमिट किया अभी तो, हाँ तो अभी तो ट्रायल हो रहा है, अभी आप क्यों परेशान हो? आप लोग ट्रायल में इतने परेशान हो गए, आप ट्रायल में क्यों परेशान? वही तो कह रहे हैं, ये झूठ की इमारत बहुत दिन नहीं चलेगी, इमारत नहीं है वहाँ पे, और सच तो सामने आ जाएगा, ट्रायल खत्म होने वहाँ पे, शिवलिंग है वहाँ पे, स्वास्तिक का निशान है वहाँ, त्रिशूल बरामद हुआ है वहाँ, देवी देवताओं के जो अवशेष बरामद हुए हैं, सारा सब कुछ जो है वहाँ पे, ये सब चीजें हैं, देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब ये तो यही तो भाजपा है ना, वही भाजपा इसीलिए तो कह रही है पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकली प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। अब आप जो रिपोर्ट ही भ्रमित है, अरे भाई जो जो देश पे अत्याचार हुआ है, जो उस समय अन्याय हुआ है, अगर उसको न्याय न्याय दिया जा रहा है तो आप उसको भ्रमित होना बता रहे हैं, भ्रमित क्यों करेंगे? ये बेवजह का, अरे भाई आपको मोहम्मद मतीन जी मेरी बात सुनिए, अब आपको हिंदुस्तान के कानून पे व्यवस्था नहीं, भरोसा नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं आपको, आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? वो एडमिट किया, देयर इज अ शिवलिंग, he said कि ट्रायल सेशन आर गोज ऑन, ही सेड यू नो अबाउट इट, डू यू नो अबाउट इट, उन्होंने कहा कि ट्रायल सेशन चलेगा, उन्होंने सिविल कोर्ट को केस दिया, अभी दिस इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द गो ऑनरेबल कोर्ट, हु टोल्ड यू दिस इज शिवलिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती मोहल्ले ले जाके घुसेल दिया। देखिए आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपसे बात की जा रही है, मेरी बात सुनिए, क्या क्या 1991 का जो वर्सी पैक्ट केवल आप ही के लिए बना था, इस्लाम के लोगों के लिए? सबके लिए है, तब फिर अगर ट्रायल हो रहा है तो ट्रायल पे भरोसा रखो ना, अब किसी ने क्या कहा किसी ने क्या नहीं कहा, आप उसको लेकर के आप कोई अपनी प्रतिक्रिया दो, अच्छी बात नहीं है। मोहम्मद मतीन जी जिस ट्रायल सेशन का आदेश दिया है, क्या आपका पार्टी उसका स्वागत करता है और किस तरह से करता है उसका स्वागत? मैं कह रहा हूँ कि वो जो सर्वे है वही भ्रमित है ना जी, अब सर्वे भी भ्रमित है, कैमरा झूठ बोलेगा,
भाई सर्वे कमीशन कमीशन कहाँ गया? कैमरा झूठ बोले क्या? जो भी कमिश्नर होता उसको तो आप लोग हटाने की याचिका देने देते रहते हैं, क्या करेगा कोई? इसीलिए आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है। आप कहने को बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आपको भरोसा ही नहीं किसी पे। किसने कहा कि मेरी बात सुनिए, अभी किसी ने ये नहीं कहा कि वहाँ मंदिर था कि वहाँ मस्जिद था, किसी ने बात नहीं कही है। और ना मैं कह रही हूँ, मैं भी इस बात का, मेरी बात सुनिए, मैं भी इस बात का साथ देती हूँ। अगर वहाँ मस्जिद था तो वहाँ मस्जिद होना चाहिए, अगर मंदिर था तो मंदिर होना चाहिए। लेकिन सर्वे से डर क्यों है आप लोगों को? किस बात का डर है सर्वे से? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दीजिए ना, इनकी सरकार है, ये सारी जगह। अच्छा, ये एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, बिल्डोजर में चलाने में तो माहिर है ना ये लोग। मतीन भाई एक चीज बताइए, बुलडोजर तो नहीं चलाया गया मस्जिद पे? मेरी बात सुनिए, आपके आस्था की पूरी इज्जत की जा रही है। अभी भी डीएम को आदेश दिया गया है कि वजू का खासा ध्यान रखा जाए, सारे आदेश डीएम को दिए गए हैं, समय से वहाँ पर नमाज अदा हो, इसके भी आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। आपसे कोई आपका हक नहीं छीन रहा है। अरे मतीन भाई, एक बात का जवाब तो दे दीजिए, मतीन भाई एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या आप लोगों को वही जगह मिली थी जहाँ हिंदू धर्म के मंदिर बने, वहीं पे जाके बनाएंगे? चाहे जो एक बनारस के मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, और चाहे आपका अयोध्या का मामला हो, कि हम जाके उसी दीवार में सटा के अपना मस्जिद तैयार करेंगे? इतना बड़ा देश पड़ा था, अरे कहीं भी मस्जिद बना लेते। शुक्ला जी, मैं दो मिनट आपसे शांति चाहूंगी। मोहम्मद मतीन जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वहाँ पे मस्जिद था या मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये ट्रायल चलेगा, ये सर्वे चलेगा। किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया? बिना डिसीजन के आप सुप्रीम कोर्ट को भी गलत ठहरा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट पढ़ लीजिए, बाबरी मस्जिद का केस को देख लीजिए, कि वहाँ एडमिट नहीं किया कि वहाँ पे राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, कहीं पर भी नहीं है। कोई बताइए तो गला कटवा देंगे। बिना आदेश के और बिना साक्ष्य के कुछ भी नहीं होता इस देश में, और जो सुप्रीम कोर्ट है उस पे हर कोई भरोसा करता है। और मैं उम्मीद आप लोगों से करती हूँ कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखेंगे, हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था पे भरोसा रखेंगे। जो पुलिसकर्मी है दिन रात वहां बनारस में जाके व्यवस्थाएं कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा हक दिला रहे हैं मुस्लिम समुदाय को कि वो वक्त के साथ, मेरी बात सुनिए, कि वक्त के साथ साथ अपना नमाज अदा कर पाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उसके बावजूद भी इस तरह के इल्जाम अगर कानून व्यवस्था पे लगती है तो बहुत बुरी बात है। पॉलिटिकली डाइवर्ट किया है। अब आप बताइए भारत के अंदर कौन महंगाई के लिए चिल्ला रहा है, कौन बेरोजगारी के लिए चिल्ला रहा है? देखिए, आप मुद्दे से मत भटकिए, झूठा लॉलीपॉप देकर के वहाँ पे शिवलिंग को जबरदस्ती खड़ा करके और दुरुपयोग कर रहे हैं, मजाक का मजाक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग को जबरदस्ती खड़ा किया गया, वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं? आप बिल्कुल कैसे, आपने प्रूफ दिखा? आप उस सर्वे में शामिल थे? कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? मैं भी वो रिपोर्ट देखना चाहूंगी जिस रिपोर्ट में ये है कि वहाँ पर शिवलिंग था ही नहीं, उसको खड़ा किया गया। रिपोर्ट दिखाइए आप मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि वहाँ शिवलिंग है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी एडमिट नहीं किया कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं है। अब एडमिट नहीं किया आगे कर लेगा ना? चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार फैसले का स्वागत नहीं किया जा रहा है अनिल जी, यूपी सरकार के जो मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, उनका स्टेटमेंट भी अभी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां शिवलिंग अगर है तो मुस्लिम को वो जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, ये यूपी सरकार का स्टैंड हो सकता है। क्या आपकी पार्टी भी इसको स्टैंड मानती है? सच है, चूंकि आपस में हिंदू मुस्लिम में सौहार्द बना रहे जी। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है वहाँ के जो भी आपको सामान मिल रहे हैं, जो आर्टिकल्स मिल रहे हैं, या जो वहाँ पे सबूत मिल रहे हैं जी। उनके बुनियाद पे अगर वहाँ पर और जो इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस मंदिर को एक बार नहीं कई बार तोड़ा गया, जैसा मैंने बताया कि 1124 में, 1194 में, 1351 में, फिर फाइनली जो है 1669 में, तो इतनी बार। अगर ये चूँकि ये आस्था का केंद्र था पूरे हिंदू समाज का, पूरे देश के, तो बार बार उसी मंदिर पे आक्रमण किया जा रहा है और फिर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जब वहाँ खोल करके देखा गया कि सारे सबूत वहाँ मिल रहे हैं, उनको इकट्ठा किया गया है, तो अब उसके हिसाब से और जो इतिहास है हमारा, जो हमने आपको बताया कि स्कंद पुराण में भी इसका चर्चा है, तो फिर ऐसा क्या था भाई कि मुगलों को दिक्कत थी कि जहाँ पे मंदिर बने वहीं जाके मस्जिद बना दो, उसको तोड़ा, वहाँ मस्जिद खड़ी किया। यही अयोध्या में हुआ, यही मथुरा में स्थिति है। तो अब अगर वो गलतियाँ तुम्हारे बुजुर्गों ने गलतियाँ करी है,
तो आप उन गलती को मान लो और मान करके और जो इसके बाद अभी नहीं कह रहे हैं आप उसको केवल मान लो रियलाइज कर लो और इस जो है कर्म इस मस्जिद को जो है हिंदुओं को सौंप दो तो हम लोग उसको जो है एक अच्छा मंदिर बना करके और देश के जो हमारे हिंदुओं आस्था का केंद्र है वहाँ पे उसको हम लोग स्थापित करके और एक आपस में सौहार्द बनाने का काम करें। आप कहीं मस्जिद बनाओ हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये नहीं कहे हमने तो किसी मस्जिद को तोड़ कर मंदिर नहीं बना दिया है ना। लेकिन आप लोगों ने जो किया है इतने सालों का जो पाप है अगर उसको आज न्याय मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या आ रही? पिक्चर क्लियर कर दी वहाँ पर कोई भी राम मंदिर का वजूद नहीं था। नहीं नहीं तमाम तमाम खुदाई में उसे मिले। राम मंदिर में मत आइए आप। राम मंदिर में तमाम खुदाई में उसे मिले। राम मंदिर की नहीं चल रही अभी और अभी भी मस्जिद की चल रही है। नहीं 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 अभी जो अभी भी तमाम जब मंदिर बनना शुरू हुआ तब भी उसमें खुदाई में बहुत अवशेष मिले। आप जाइए अयोध्या में देखा ये जा करके। यही तो कह रहे हैं शर्म आना आप जाओ ना देखो जा करके। अरे शर्म तो आपको आना चाहिए यार, शर्म तो आपको आना चाहिए। जितना जिस तरीके से सरकार आपको सबको जो है सम्मान दे रही है जो मोदी जी की योजनाएं हैं आप सुन लीजिए जो मोदी जी जो लाभ दे रहे हैं हिंदुस्तान में लोगों को उसका 35% केवल मुस्लिम समाज में जा रहा है। आप क्या बात करते हो? 35% उसका मुस्लिम समाज में जा रहा है तो कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? हम मकान दे रहे हैं आपको, हम आपको हम आपके लिए जो है आप लोग मुद्दे से नहीं भटके मोहम्मद मतीन जी, मुद्दे से नहीं भटके। ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जाए और रही बात इस तरह से कोई भेदभाव नहीं कर रही। लड़के किसी मुद्दे का कभी भी फैसला नहीं निकला है। और रही बात अगर आप खुले चैनल पर ये बात कह रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, आपको माननीय उच्च न्यायालय में भरोसा नहीं है, तो इस बात की मैं निंदा करती हूँ। हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं, मैं 2 मिनट की शांति चाहूंगी अपने पैनल पर। संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े, विभांशु जब जिला जज सामने बैठेंगे तो क्या सवाल होगा? हमको भरोसा नहीं है कानून व्यवस्था पे। मैं आप लोगों से शांति चाहूंगी 2 मिनट की। हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े, विभांशु जब जिला जज सामने बैठेंगे तो क्या कुछ सवाल हो सकते हैं उनके सामने? जी सुषमा, आपको बताया कि जब जिला के पास ये मामला चला गया है और जब जिले अदालत की जब कार्रवाई शुरू होगी तो जिसमें दोनों पक्ष और जो मॉडरेटर है जो पूरे मामले पर नजर बनाकर और पूरे मामले को अगर देखा जाए तो 5 लोगों की जो टीम है जिसमें सर्वे का रिपोर्ट जिनकी तरफ से दायर किया गया है जिसमें दोनों समुदाय से दो दो लोग हैं और एक मॉडरेटर पर्यवेक्षक के रूप में, इन सभी की दलीलों को सुनकर और आगे की कार्रवाई और आगे के फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फैसले सुनाए जाएंगे, इसमें सभी दलीलों को सुने जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वजू का स्थल है उसमें जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं वो एक फुहारा है और हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक शिवलिंग है जो कि टोडम मल द्वारा जो अकबर के वित्त मंत्री थे टोडम मल जो बनारस से उनका काफी लगाव था उनके द्वारा निर्मित है, तो इन सब पहलुओं को जांचा जाएगा। साथ ही साथ जो बात की जा रही है कि जो नंदी महाराज है उनके सामने वाली दीवार को जो नई बनावट की गई है नई दीवार बनाई गई है उसको हटा कर और जो उसमें प्राचीन दीवार है उसमें भी जांच की जाए, उसके जो तत्व है उनको भी जांच की जाए कि क्या ये किस शैली से बना है, क्या ये जो बात की जा रही है कि जो मस्जिद लगभग आपको बताएं कि मुगलिया सल्तनत के द्वारा जो उनके वित्त मंत्री थे उनके द्वारा निर्मित है क्या वो उस अवशेष उनके द्वारा निर्मित अवशेष से बनाए गए हैं या फिर ये बाद में बनाए गए। वही अगर बात की जाए तो IIT के एक प्रोफेसर जो कि इतिहास के जानकार है उनके तरफ से कहा ये जा रहा है कि ये एक शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर जो सफेद रंग का हिस्सा नजर आ रहा है जहाँ एक तरफ मुसलमान पक्ष कह रहा है कि वो झरने की कटोरी फंसाने के लिए वो खांचे बनाए गए, तो वही प्रोफेसर की तरफ से कहा जा रहा है जो कि BHU के प्रोफेसर है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बाद में आगे चलकर इसमें व्हाइट सीमेंट जैसा कुछ चीजें लगाई गई है जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। लगभग अगर देखा जाए तो ये मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट को सभी पहलुओं और इतिहास के पन्नों को खंगाल कर तय करना है कि
क्या वहां पे था। और वहीं अगर देखें तो तमाम जो दलीलों के बाद जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जब सर्वे की रिपोर्ट का अगर लीक हो गई है तो इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देकर पूरी फटकार लगाई और साथ ही साथ कई जिम्मेदारों को उनके पदों से हटाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो तीन दिन का सर्वे हुआ है, वीडियोग्राफी हुई है, उसको कोर्ट देखता है, साथ ही साथ अब आगे का जो अग्रिम आदेश होगा वो क्या देता है, क्या नंदी महाराज के ठीक सामने जो वजूखाना है क्या उसके जो है जो सामने प्रकट में आया है शिवलिंग क्या वो गुहारा है या शिवलिंग है, इसकी भी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ जिस समय की शिवलिंग की बात की जा रही है, साथ ही जिस समय ये फुहारे की बात की जा रही है, उस समय बिजली नहीं थी तो जब पानी को ऊंचे स्तर से गिराया जाता था वो प्रेशर के साथ फुहारा बनता था क्या, उसके कुछ अवशेष है, इन सब अवशेषों को ढूंढने के बाद अब कोर्ट तय करेगा कि मंदिर है या मस्जिद। बिल्कुल विभांशु, ये तमाम जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी कोर्ट के सामने। समय के अभाव होने के कारण मैं इस चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार बयानबाजियां और उम्मीदें लगाई जा रही हैं, कुछ लोगों को उम्मीदें भी हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन जिस तरह से लगातार कुछ लोग का ये भी कहना उन्हें न्याय पर भरोसा नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा नहीं है। चर्चा को हम यही रोकेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला निकल कर ज्ञानवापी पर सामने आता है। प्राइम टीवी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।